कोडरमा के डोमचांच स्थित सीएम हाई स्कूल मैदान में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि विकास के नाम पर राज्य की जनता भाजपा को वोट करेगी। कोडरमा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर नीरा यादव के समर्थन में जन आशीर्वाद सभा को संबोधित करने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कोडरमा पहुंचे थे। मौके पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी एवं प्रत्याशी डॉक्टर नीरा यादव भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए और अपने नेता का संबोधन सुना। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मोदी ने कश्मीर में धारा 370 हटाकर कश्मीर में अमन चैन कायम किया है और देश इससे गौरवान्वित महसूस कर रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की सुरक्षा के साथ मोदी ने कभी समझौता नहीं किया है, यही वजह है कि आज पाकिस्तान देश थर थर कांपता है और आतंकवादी बिल में घुसे पड़े हैं। उन्होंने हेमंत सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हेमंत सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। राज्य के लोगों को घर बनाने के लिए बालू नहीं मिल रहा और सरकार में शामिल लोग बालू तस्करी में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से औरंगजेब ने भारत को लूटा था उसी तरह सरकार में शामिल आलमगीर आलम झारखंड को लूटा, जिसका पर्दाफाश हुआ और उसके घर से अकूत संपत्ति बरामद हुई। झारखंड ब्यूरो आकाश शर्मा की रिपोर्ट। अपने अपने मतदान केंद्रों में जाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल फूल छाप, हम सब जानते हैं ये समृद्धि की निशानी है, तो आप अपने कमल फूल छाप के सामने बटन दबाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कोडरमा से डॉक्टर नीरा यादव जी, बरकट्ठा से अमित यादव जी, बरही से मनोज यादव जी और सारे हमारे जहां जहां भी हमारे प्रत्याशी हैं, आप सब लोग मतदान अपने मतदान केंद्र में करेंगे, लेकिन अपने सगे संबंधियों को जरूर कहेंगे कि राज्य में फिर से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार लानी है, क्योंकि राज्य में अपनी सरकार बनानी है, डबल इंजन की सरकार बनानी है। इसके लिए हम सबको आज से लग जाना है और अपना अपना मत और लोगों का कमल फूल छाप कर दिलाना है। तो और कुछ न कहते हुए मैं फिर आप लोगों से यही अपील और आग्रह के साथ कि सब एकजुटता के साथ जिस तरह से लगातार हम भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में भी प्रचंड बहुमत से आपने जिताया, उसी तरह विधानसभा में भी प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए सम्मान और स्वावलंबन की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी विरासत और विकास के समन्वय की गारंटी भी है। याद करिए अयोध्या से तो मैं आया हूं ना, कितने लोग अयोध्या गए। आप लोग एक बार अयोध्या आइए, मैं अन्नपूर्णा देवी जी से कहूंगा, वे यूपी के अंदर चुनाव के अंदर सहप्रभारी के रूप में विधानसभा चुनाव के अंदर काम कर रही थी, पूरे यूपी के अंदर घूमी, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया था। और मैं आप सबसे कहूंगा, चुनाव के बाद एक बार वो आपको लेकर के अयोध्या पहुंचे, अयोध्या की गारंटी बाकी हम लोग लेना, एक बार देखिए आप अयोध्या था। हमको बहनों और भाइयों, जब ये कांग्रेस के लोग थे ना, अयोध्या में कितनी दुर्व्यवस्था थी, बिजली नहीं मिलती थी, सड़क सिंगल लेन की थी, गंदगी रहती थी, अराजकता थी, कोई किसी को पूछता नहीं था। और राम मंदिर निर्माण न हो इसके लिए इनके द्वारा बार बार रोड़े अटकाए जाते थे। आज तो आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व मिला, अयोध्या
वर्षों के बाद अभी भव्य दीपोत्सव का आयोजन भी आपने देखा होगा, कितना भव्य दीपोत्सव अयोध्या में हुआ था। 500 वर्षों के बाद प्रभु रामलला अपने धाम में विराजमान हो गए। और 365 दिन आपके साथ, अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज़। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।